आज के तनाव भरे और प्रदूषित पर्यावरण में अच्छे स्वास्थ्य और ठीक प्रकार से रहना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खराब स्वास्थ्य और कम स्टेमिना यानी दमखम वाले जीवन को गलत जीवन शैली और गलत खाने की आदतें बढ़ा देती है। हम खोजते हैं उपाय और उत्तर। हम कैसे स्वस्थ, क्रियाशील और ऊर्जावान बने रह सकते हैं? हम कैसे अधिक ऊर्जा और स्टेमिना पा सकते हैं? क्या हम अपनी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं? जीवन शैली से संबंधित रोगों का कैसे सामना कर सकते हैं? क्या कोई सुरक्षित और प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर और एंटीऑक्सीडेंट है? क्या हमारे भोजन में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व हैं? उत्तर विश्व के नंबर एक आहार पूरक स्पिरुलिना में है। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना खारी झीलों में पैदा होने वाले नीले हरे एल्जी का नाम है। काई की तरह दिखने वाली इस सूक्ष्म वनस्पति का नाम इसकी घुमावदार आकृति के कारण पड़ा है। माना जाता है कि स्पिरुलिना पहली फोटोसिंथेटिक जीव आकृति है। इसके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन से ही आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव हुआ था। स्पिरुलिना में सबसे अधिक पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक और शक्तिशाली सूक्ष्म पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली भोज्य पदार्थ के रूप में इसे जाना जाता है। विश्व भर के जाने माने संस्थानों ने वेस्टेज स्पिरुलिना को सबसे बेहतरीन आहार पूरक के रूप में मान्यता दी है। 1974 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भविष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार घोषित किया। 1981 में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सर्वश्रेष्ठ आहार्य पूरक बताया। 1983 में वेस्ट जर्मनी इंटरनेशनल फूड एक्सपोजिशन ने इसे नाम दिया सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक आहार। हालांकि वैज्ञानिकों ने 1960 में ही इस सूक्ष्म वनस्पति के पौष्टिक और चिकित्सीय गुणों की खोज कर ली थी। मेक्सिको और मध्य अफ्रीका के लोग सदियों से इसका अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। आज विश्व भर में करोड़ों कृतज्ञ ग्राहक स्पिरुलिना इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली प्रोबायोटिक आहार के रूप में मान्यता दे रहे हैं। प्रोबायोटिक आहार वो हैं जो जीवन और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। वेस्टेज स्पिरुलिना ऊर्जा, अंगों की क्रिया, आहार सोखने और सेल यानी कोशिका के विकास के लिए आवश्यक बड़े और छोटे दोनों तरह के पौष्टिक तत्वों में सबसे संपन्न और सबसे अधिक संतुलित स्रोतों में से एक है। वेस्टेज स्पिरुलिना में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिले हुए खनिज, विटामिन और पानी बेहद संतुलित रूप में शामिल हैं। इस तरह ये एक संपूर्ण अद्वितीय आहार्य पूरक बन जाता है। व्यावहारिक शब्द किसी का स्थान लेना नहीं, पूरक है। वेस्टेज स्पिरुलिना किसी भी आहार्य कमी को दूर करने वाला पूरक है। उस कमी को जिसके कारण स्टेमिना और रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। लेकिन क्या हमारे रोजाना के भोजन में क्रियाशील आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं होते? प्रश्न ये है कि क्या हमारी जल्दबाजी हमें संतुलित भोजन करने देती है? क्या हमें बिना दूषित, बिना संसाधित यानी तैयार भोजन मिल पाता है? हाँ, एक आदर्श और संतुलित भोजन में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों में से बहुत से होते हैं, पर सब नहीं। और कम से कम वेस्टेज स्पिरुलिना जैसे एक साथ मिले जुले रूप तो नहीं। वेस्टेज स्पिरुलिना में प्रोटीन की अधिकता होती है, दूध से अधिक।
अंडों से 6 गुना अधिक और दालों से 3 गुना अधिक। वेस्टीज स्पिरुलिना संपूर्ण विटामिनों का भंडार है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई का सबसे बड़ा स्रोत है। कच्चे गेहूं के बीजों से 3 गुना अधिक। ये B12 का सबसे बड़ा स्रोत है। वेस्टीज स्पिरुलिना में एंटीऑक्सीडेंट्स का सरताज बीटा कैरोटीन होता है। इसे कैंसर की कोशिकाओं के इलाज के लिए जाना जाता है। वेस्टीज स्पिरुलिना में उपलब्ध बीटा कैरोटीन गाजरों के मुकाबले 25 गुना अधिक होता है। वेस्टीज स्पिरुलिना आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है, पालक के मुकाबले 5 से 8 गुना अधिक। वेस्टीज स्पिरुलिना क्लोरोफिल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, गेहूं की घास के मुकाबले 5 से 30 गुना अधिक। वेस्टीज स्पिरुलिना में इसके कुल फैटी एसिड का 29% गामा लिनियोलिक एसिड के रूप में होता है। ये जमे हुए फैट को कम करता है और हृदय की रक्षा कर। इसमें लगभग 4 कैलोरीज प्रति ग्राम है और ना के बराबर कोलेस्ट्रॉल। ये सभी विशेषताएं वेस्टीज स्पिरुलिना को एक अधिक ऊर्जावान, कम कैलोरी, कम फैट, आसानी से पचने वाला आहार बना देती है। कठोर पर्यावरणीय परिवर्तनों और तत्वों की अनिश्चितता के बीच वेस्टीज स्पिरुलिना 3.5 अरब सालों से बरकरार है। ये इसे अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक सूक्ष्म रचना का रूप देता है। तो ये आपके लिए कैसे अच्छे स्वास्थ्य में परिवर्तित होता है? वेस्टीज स्पिरुलिना सामान्य रोगों और पुरानी बीमारियों जैसे एनीमिया, हृदय, किडनी की बीमारी, डायबिटीज, बढ़ती उम्र, मोटापा, अर्थराइटिस, त्वचा की समस्याएं, हाइपर एसिडिटी, अल्सर और तनाव, थकावट और खाद्य पदार्थों की मिलावट का सामना करता है। वेस्टीज स्पिरुलिना आपके फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए अधिक ऊर्जा, अधिक स्टेमिना। वेस्टीज स्पिरुलिना शरीर को पुष्ट और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाता है। वेस्टीज स्पिरुलिना का भरपूर आयरन खून की कमी को दूर रखता है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में। वेस्टीज स्पिरुलिना का शीघ्र शरीर में घुलने का गुण बुजुर्गों और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए श्रेष्ठ है। वेस्टीज स्पिरुलिना आर्थराइटिस के पुराने रोगियों के चलने फिरने में सुधार लाता है। वेस्टीज स्पिरुलिना आहार्य कमियों को खत्म करता है। वेस्टीज स्पिरुलिना शरीर को साफ रखने में मदद करता है। वेस्टीज स्पिरुलिना बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों पर भी नियंत्रण रखता है, जैसे दुर्बलता, कम सक्रियता, कम दिखाई देना, याददाश्त कम होना और खुश्क त्वचा। वेस्टीज स्पिरुलिना शरीर के कोशिकाओं का निर्माण करता है। अपनी एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा के कारण ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। वेस्टीज स्पिरुलिना शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। वेस्टीज स्पिरुलिना ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम बनाए रखता है। वेस्टीज स्पिरुलिना शरीर के जटिल 80% खारे और 20% एसिड संतुलन को शरीर में एसिड को निष्क्रिय करके बनाए रखता है। आप अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, अधिक ऊर्जावान होते हैं, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका शरीर शारीरिक रूप से सबसे बेहतर स्थिति में होता है। वेस्टीज स्पिरुलिना सबके लिए आदर्श आहार पूरक है। जब एक व्यक्ति 6 दिन में स्पिरुलिना के 12 कैप्सूल लेता है, उसे मिलता है बीटा कैरोटीन, जो अन्यथा उसे गाय के दूध के 56 ग्लास या 550 सेब से मिलता। बीटा कैरोटीन की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एक्नी, एक्जीमा और इन्फेक्शंस। विटामिन B1, जो अन्यथा उसे 20 हरी मिर्च या
16 सार्डीन से मिलता। विटामिन बी वन की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियों का दर्द, याददाश्त की कमी और दिल की बीमारी। विटामिन बी टू जो अन्यथा उसे 420 अंगूर या 47 स्ट्रॉबेरीज से मिलता। विटामिन बी टू की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे विकास की गति में कमी, एक्जिमा, काला मोतिया, नींद में कमी और खुश्क त्वचा। विटामिन बी थ्री जो अन्यथा उसे 8 नींबुओं से मिलता। विटामिन बी थ्री की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे डर्माटाइटिस, नसों का अति संवेदनशील होना। विटामिन बी सिक्स जो अन्यथा उसे 90 ग्राम डबल रोटी से मिलता। विटामिन बी सिक्स की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिल की बीमारी, नसों का अति संवेदनशील होना और डर्माटाइटिस। विटामिन बी 12 जो अन्यथा उसे 240 ग्राम पनीर से मिलता। विटामिन बी 12 की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एनीमिया, थकान, बढ़ती उम्र की बीमारियां, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं। विटामिन ई जो अन्यथा उसे चिकन के 6 टुकड़ों या गाय के दूध के 14 ग्लास से मिलता। विटामिन ई की कमी से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, थकान और बढ़ती उम्र की बीमारियां। यही कारण है कि स्पिरुलिना को पोषक तत्वों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। स्पिरुलिना को नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आदर्श कैप्सूल आहार का दर्जा दिया गया है। जिन स्रोतों से वेस्टेज स्पिरुलिना के लिए एलजी तैयार किया जाता है, वहां सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी खेती दौरान वो किसी तरह से दूषित न हो। इसे साफ पानी के खारे तालाबों में उगाया जाता है, जहां फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धूप मिलती है। पानी को लगातार हिलाने से सही क्लोरोफिल रचना में मदद मिलती है। ये खेत ट्रॉपिकल वातावरण वाले क्षेत्रों में होते हैं और साथ ही USFDA, JHFA और कोशर द्वारा प्रमाणित। पौष्टिक तत्वों को बनाए रखने के लिए पानी से निकालने और सुखाने की प्रक्रिया के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। वेस्टेज स्पिरुलिना के पाउडर को विशेष तकनीक द्वारा कैप्सूल में भरा जाता है और अंत में आहार वर्ग की शीशियों में पैक कर दिया जाता है। आपूर्ति की पूरी श्रृंखला कई स्तरों से गुजरती है, बोने से पैदावार तक, उत्पादन से पैकेजिंग तक, क्वालिटी के लिए कड़ी जांच की जाती है। वेस्टेज स्पिरुलिना 100% शुद्ध है और इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं है। ये उच्चतम आहार सुरक्षा और क्वालिटी मानकों के अनुरूप है। वेस्टेज स्पिरुलिना एक आहार पूरक के रूप में उपलब्ध है। एक आम आदमी के भोजन की पौष्टिक कमियों को प्रतिदिन केवल 2 कैप्सूल से दूर किया जा सकता है। एथलीट्स या अधिक ऊर्जा की खपत वाले व्यवसायों के लिए 6 से 8 कैप्सूल प्रतिदिन लेने पड़ते हैं। वेस्टेज स्पिरुलिना को डॉक्टर्स और क्लिनिकल लेबोरेटरीज, न्यूट्रिशनिस्ट्स और डाइटिशियंस द्वारा समर्थन मिल रहा है। इसे सबसे अधिक समर्थन इसके लगातार बढ़ते हुए उपभोक्ताओं से मिल रहा है, जिन्होंने एक चमत्कार वेस्टेज स्पिरुलिना को खोज लिया है। वेस्टेज स्पिरुलिना द न्यूट्रिएंट।